नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद भारत में। मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। और मैं हूं आयुष मित्तल। एक नजर आज की बड़ी सुर्खियों पे। चीनी दूत ने कनाडा पीएम को दी चेतावनी, हांगकांग के लोगों को शरण न देने के लिए किया आश्वस्त। देश में कोरोना संक्रमितों का मामला 73 लाख के पार, 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। बलिया गोलीकांड में अखिलेश यादव ने किया सवाल, कहा एनकाउंटर वाले सरकार अपनी गाड़ियां पलटाएगी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सास ससुर के घर में बहू को रहने का अधिकार। हरियाणा की बरोदा सीट से भाजपा ने योगेश्वर दत्त को बनाया उम्मीदवार। चीन पर एक और प्रहार, एयर कंडीशनर के आयात पर लगी रोक। हाथरस कांड में यूपी एसआईटी की जांच पूरी, प्रदेश सरकार को आज सौंपी जा सकती है रिपोर्ट। राहुल गांधी ने जीडीपी ग्रोथ को लेकर फिर साधा सरकार पर निशाना, कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बेहतर हालत है हमसे। माया नगरी में फल फूल रहा ड्रग्स का धंधा, एनसीबी के मुताबिक मुंबई है सबसे बड़ा केंद्र। ट्विटर के डाउन होने से यूजर्स हुए परेशान, कंपनी ने हैकिंग की बात से किया इनकार। ट्रंप के अटपटे बोल, कोविड-19 को लेकर राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंध असंवैधानिक। बिना ओटीपी के नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर, 1 नवंबर से बदला होम डिलीवरी सिस्टम। आज से शुरू होगी आरजेडी की एक्चुअल रैलियां, तेजस्वी यादव करेंगे 5 जनसभा संबोधित। एशिया का सबसे बड़ा जॉर्जिना सुरंग बनेगा 11,000 फीट की ऊंचाई पर। गुरुवार की गिरावट के बाद बाजार में रिकवरी, सेंसेक्स 200 के पार। तेलंगाना महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते कम से कम 77 लोगों की मौत, फसलों को भी भारी नुकसान। इकोनॉमी के लिए राहत, लगातार 6 महीने गिरने के बाद 5.9% बढ़ा निर्यात। वर्ल्ड बैंक ने कहा 1930 के बाद कोरोना वायरस की वजह से देश और दुनिया को भारी नुकसान। आज से खोला जाएगा सबरीमाला मंदिर, 250 लोगों को ही मिलेगा प्रवेश। उद्धव ठाकरे बोले बॉलीवुड को शिफ्ट करने की हो रही है साजिश, ये हम नहीं होने देंगे। फटाफट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद भारत। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।